चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। रुक कर लेते हैं यहां से अपनी अगली खबर की तरफ जो निकल के सामने आ रही है मक्का की। तो बात चाहे पोषक तत्वों की हो या उपयोगिता की, बेहतर उपज की बात करें या सह फसली खेती और औद्योगिक प्रयोग की, हर मौसम और हर तरह की भूमि में होने वाले मक्के का जवाब नहीं है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली यूपी सरकार ने इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए मक्के का उत्पादन 5 साल में दो गुना करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल 2021-22 में मक्के का उत्पादन 14.67 लाख मैट्रिक टन था। 5 साल में इसे बढ़ाकर 27.30 लाख मैट्रिक टन करने का लक्ष्य है। इसके लिए रकबा बढ़ाने के साथ प्रति हेक्टेयर प्रति क्विंटल उत्पादन बढ़ाने पर भी बराबर का जोर रहेगा। मक्के का प्रयोग ग्रेन बेस्ड एथेनॉल उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों, कुक्कुट एवं पशुओं के पोषाहार, दवा, कॉस्मेटिक्स, गोद, वस्त्र, पेपर और अल्कोहल इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा मक्के को आटा, ढोकला, बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न के रूप में तो ये खाया ही जाता है, किसी न किसी रूप में ये हर सूप का अनिवार्य हिस्सा भी है। यह सभी क्षेत्र संभावनाओं वाले हैं और आने वाले समय में इनके विस्तार के साथ ही मक्के की मांग भी बढ़ेगी। इस बड़ी मांग का अधिकतम लाभ प्रदेश के किसानों को हो, इसके लिए सरकार मक्के की खेती के प्रति किसानों को जागरूक भी करेगी। उनको खेती के उन्नत तौर तरीके की जानकारी देने के साथ सीड रिप्लेसमेंट यानी कि बीज प्रतिस्थापन की दर को भी बढ़ाएगी। किसानों को मक्के की उपज का वाजिब दाम मिल सके, इसके लिए सरकार पहले ही इसे MSP के दायरे में ला चुकी है। आपको बता दें कि मक्के के अंदर भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, वसा, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। इस लिहाज से मक्के की खेती कुपोषण के खिलाफ जंग साबित हो सकती है। इन्हीं खूबियों की वजह से मक्के को अनाजों की रानी भी कहा गया है। उन्नत खेती के जरिए प्रति हेक्टेयर 100 क्विंटल उपज संभव है। उत्तर प्रदेश में 2021-22 में 6.91 लाख हेक्टेयर में मक्के की खेती हुई और 14.67 लाख मैट्रिक टन उत्पादन। प्रदेश में इसकी उपज बढ़ाने की भरपूर संभावना है। देश की प्रति हेक्टेयर औसत उपज 2600 और उत्तर प्रदेश की प्रति हेक्टेयर औसत उपज 1788 किलो है। 2021-22 में यह बढ़कर 2163 क्विंटल हो गई है। सर्वाधिक उत्पादन वाले तमिलनाडु की औसत उपज 5939 क्विंटल है। एक्सपर्ट्स की माने तो प्रति हेक्टेयर औसत उपज 100 क्विंटल तक संभव है। वहीं अमेरिका में प्रति हेक्टेयर उत्पादन करीब 960 क्विंटल है। ऐसे में खेती के उन्नत तरीके से उपज बढ़ाने की भरपूर संभावना भी है। तो यानी कि यूपी अब मक्के के फायदों को देखते हुए मक्के की जो पैदावार है उसको 5 साल के अंदर अंदर 2 गुना बढ़ाने पर जोर दे रहा है और इस पर सरकार कार्य भी कर रही है। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप खुशियों की अपनी दुकान।